परिवार ही नहीं, गांव ही नहीं, पूरा देश रो रहा है जसकी हत्या को लेकर, क्योंकि छोटा सा बच्चा, हंसता खेलता चेहरा अब दुनिया में नहीं रहा। परिवार के सदस्यों द्वारा ही कहीं ना कहीं उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जो उसकी चाची है वो दोषी पाई जाती है, जिसके चलते तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम गाँव की महिलाएँ या दूर दूर से जो सामाजिक लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। आज श्रद्धांजलि सभा जिसकी रखी गई है और जिसके चलते काफ़ी दुखी जरूर नज़र आ रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर आंसू है, हर कोई किस तरह से रोता बिलखता नज़र आ रहा है, क्योंकि छोटा सा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तस्वीरों में देखते किस तरह से जस की तस्वीर पर एक जो लोग पहुंचे हुए हैं, सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, परिवार का हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं, वो आज जस की एक फ़ोटो पर हंसते खेलते चेहरे पर किस तरह से जो फूल है वो अर्पित करते नज़र आ रहे हैं, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते किस तरह से गोंडा विधायक जो हरविंद्र कल्याण है वो परिवार के जो लोग हैं उनके बीच में जरूर बैठे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जो अभी आरोपी हैं वो तो पहले ही जो चाची पर आरोप थे चाची को अब हिरासत में है, अगर और भी कुछ परिवार वालों की आशंका है तो उसको भी आशंका को भी दूर करने के लिए पूरा कार्य किया जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये केवल परिवार का दुख नहीं है, ये पूरे समाज में पूरे देश को झिंझोड़ के रख दिया है ऐसे हादसे ने। इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और जो भी परिवार चाहता है न्याय के लिए सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। कोई मेरी मांग नहीं है, परिवार की मांग जो भी हो वो मानना चाहिए। परिवार को संतुष्ट करे सरकार, जिसके घर का चिराग ऐसे बुझा हो उसके दर्द को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और जिस भी प्रकार से न्याय की वो गुहार कर रहे हैं और जिस भी प्रकार से उन्हें न्याय मिले, मैं समझती हूँ उनकी मांग नहीं ये उनका अधिकार है और इस अधिकार को सरकार ने मानते हुए उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहिए। कि परिवार भी बेचारा कैसे सहन करे, किसी के साथ भी हो तो ये सदमा ही इतना बड़ा है कि सदमा सहने के लायक ही नहीं है। और जो भी जिसने भी ये कर्म किया है कि आज के दिन समाज के अंदर इससे घटिया काम कोई हो नहीं सकता। तो बाकी तो देखो, अगर सरकार चाहेगी और पुलिस ईमानदारी से जांच करेगी तो धीरे धीरे समाज को भी और परिवार को भी सांत्वना मिलेगी, और अगर कहीं ठगी वगी करने की कोशिश होगी तो परिवार का दुख और बढ़ेगा। तो सब लोगों को ईमानदारी से, ये ऐसा काम है इसमें राजनीति ना करके हेराफेरी ना करके ईमानदारी से परिवार के दुख को समझते हुए काम करना चाहिए। और मालिक ही है जो परिवार को शक्ति देगा इस सदमे को सहन करने की, वरना तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। आज ये एक जो मानव में ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत दुखद घटना है, ऐसी शर्मनाक घटना कभी नहीं हुई। मेरी उम्र भी 66 साल हो चुकी है, एक मानव को झंझोड़ कर रखने वाली घटना हुई जिसकी हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। और आजकल ताऊ चाचे परिवार, चाचे ताइयाँ सब, ये जो बाबे दादे सब होते हैं, ये परिवार की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। बच्चा इनमें पलता है, इनमें खेलता है, इनमें खाता है। इस चीज़ को सोच करके एक ये आदमी के दूसरे के मन में भी, दूसरे परिवारों के मन में भी एक भावना होगी
भी अपने बच्चों के बारे में कहीं मेरी दोबारा मिस हैपनिंग ना हो जाए, ये जिसकी भी निंदा की जाए बहुत कम है। छत्ती बरादरी के लोग, ये आज जस की 13वीं थी, छत्ती बरादरी की पब्लिक इकट्ठी हुई है, सभी के मन में बहुत रोष है, दुख है, सभी की आत्मा आज रो रही है, बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सीसा सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक अपने गांव, मेरा गांव नगला है और मैं मेरे पड़ोस में ही है, हमारे कमालपुर, चूरनी, संगवा, संगोई, बीबीपुर, चडान, सब नैकबोरिंग है, मैं पड़ोसी हैं।